और आइए अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में रसोई के कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने यह कदम उठाया है। कहां है ये खाद बनाने का संयंत्र, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। दिल्ली नगर निगम ने रसोई के कचरे से खाद बनाने का संयंत्र लगाया है। किस तरह का है ये संयंत्र, आइए जायजा लेते हैं। ये है दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर टैगोर गार्डन का वो संयंत्र जहां बनाई जा रही है रसोई के कचरे से खाद। जी हां, इन दिनों दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के इस कंपोस्ट प्लांट में रोजाना करीब 2 टन गीला कूड़ा पहुंच रहा है, जिसे कुछ दिनों में ही MCD खाद बनाने में जुटी है। MCD का लक्ष्य है कि अगले 3-4 महीने में उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली में करीब 100 जगहों पर इस तरह के संयंत्र और लगाए जाएं। ये जो एक अच्छी हमारी उपलब्धि हुई है, इससे हमने सीखकर इस प्रकार के कंपोस्टिंग, जो सेग्रीगेटेड कंपोस्टिंग, हम जो ड्रम कंपोस्टिंग की एक्टिविटीज़ पूरे SDMC में, साथ ही साथ हम नॉर्थ MCD में भी लेके कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा टारगेट है कि अगले कुछ 3-4 महीनों में कम पूरे नॉर्थ एंड साउथ MCD में कम से कम 100 लोकेशन पे इस ढंग का हम कंपोस्टिंग, सेग्रीगेटेड कंपोस्टिंग कर सकें। गौरतलब है कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104 वार्ड हैं, जहां से करीब 3600 मीट्रिक टन कूड़ा निकलता है। हमारा डेली 3600 मीट्रिक टन गार्बेज जनरेट होता है, जिसको हम ओखला सेंट्रल लैंडफिल साइट पे भेजते हैं। यहां डेली 2 टन के करीब गीला कूड़ा आता है। गीला कूड़ा आने के मैकेनिज्म 2-3 तरह से आता है। इसमें हार्डली हमारा 50,000 के करीब कॉस्ट आया है। आप देख रहे हैं, कोई मैकेनाइज चीज़ नहीं है, इसमें बड़ा सिंप्लीफाइड है और इसको रेप्लीकेट करना, इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है। पूरी दिल्ली में मुख्य रूप से भलसवा, गाजीपुर और ओखला समेत कुल 3 लैंडफिल साइट हैं, लेकिन वार्डों में ही इस तरह के कंपोस्ट प्लांट शुरू कर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पर्यावरण के अनुकूल भी एक सराहनीय कदम उठाया है। यहां से न केवल कचरे से खाद बनाकर उसका उपयोग किया जा सकेगा, बल्कि काफी हद तक कचरे के निपटान की राह भी आसान होगी। टैगोर गार्डन के इस कंपोस्ट प्लांट में रोजाना करीब 2 टन गीला कूड़ा आता है और महीने में करीब 60 टन गीला कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिससे MCD इसे खाद बनाने में इस्तेमाल करती है और करीब 10 से 11 टन महीने का यहां पर खाद बनाया जाता है। ये अपने आप में एक अनोखी पहल है। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली। और आपको बता दें कि